गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 11 एंड दैट इज द टॉकेटिव टॉर्टोइस. सो व्हाट इज टॉकेटिव टॉर्टोइस? टॉर्टोइस यू ऑल नो दैट इट इज अ एनिमल हु हैड अ हार्ड शेल. उसकी कैसी होती है? हार्ड शेल होती है. और टॉकेटिव टॉर्टोइस मतलब टॉर्टोइस जो था जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता था. यू नो व्हेन यू आर इन क्लास आप बहुत सारी बातें करते हो तो आपकी टीचर भी आपको कहते हैं यू आर सो टॉकेटिव, तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो. सो व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आप क्या देख रहे हो इस पिक्चर में? देयर इज अ टॉर्टोइस एंड अ क्रैन. एक बगुला है और एक टॉर्टोइस है. हैव यू हर्ड दिस स्टोरी अबाउट द क्रैन एंड टॉर्टोइस? क्या तुमने क्रैन और टॉर्टोइस की स्टोरी सुनी है? So let's read the story. Long ago there was a two crane named Sankat and Vikat. दो क्रेन थे जिनका नाम क्या था? संकट एंड विकट. एंड द टॉर्टोइस नेम कुंभग्रीवा. और टॉर्टोइस का नाम क्या था? कुंभग्रीवा. दे वर अ गुड फ्रेंड. दे लिव नियर अ पॉन्ड. और वो तीनों जो थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. और कहाँ रहते थे? पॉन्ड के पास, एक तालाब के पास. कुंभग्रीव वॉज अ चैटर बॉक्स. कुंभग्रीव इतनी बातें करता था, दिन भर बोल बोल ही करता रहता था और कभी भी थकता नहीं था. चैटर बॉक्स मतलब दिन भर बोलते रहना. या फिर कुछ लोग होते हैं ना जो दिन भर बातें करते रहते, कभी चुप ही नहीं होते, कभी थकते ही नहीं है. दैट काइंड ऑफ पीपल्स. वन ईयर देर वॉज नो रेन सो द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई. और एक बार ऐसा हुआ कि बारिश ही नहीं आई और पॉन्ड जो है वो सूखने लगा. The crane and the tortoise were worried to discuss about it. और crane और tortoise जो थे दोनों पानी के बिना नहीं रह सकते थे, तो वो उसके लिए worry होने लग गए. उनको tension होने लग गई कि अब हम बिना पानी के क्या करेंगे. तो वो लोग discussion करने लग गए. Cranes, crane, दोनों crane कहते हैं वी हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर. देर इज़ अ बिग लेक नियर बाय, लेट्स गो देर. और crane कहते हैं कि हमको यहाँ से चले जाना चाहिए, पास ही में एक बड़ा सा पॉन्ड है, वहाँ पर हमको जाना चाहिए और हम वहाँ पर जाकर रहेंगे. इस पर tortoise कहता है, tortoise, आर यू लिविंग मी अलोन हियर टू डाई? क्या तुम मुझे मरने के लिए यहीं छोड़ जाओगे? Cranes, what else can we do? The pond is drying now. If we stay here, we will die of starvation. क्रेंस कहते हैं हमें ये करना ही पड़ेगा, अगर हम यहीं रुके तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे. टॉर्टोइस, प्लीज सेव मी, टेक मी अलॉन्ग विथ यू. और टॉर्टोइस कहता है मुझे भी बचा लो और मुझे भी अपने साथ ले चलो. क्रेंस, बट हाउ? क्रेंस कहते हैं कि कैसे ले जाएं हम? टॉर्टोइस, आई हैव एन आइडिया. ब्रिंग अ लॉन्ग स्टिक, बोथ ऑफ यू होल्ड इट ईदर एंड्स ऑफ इट एंड योर विथ योर बिग्स. वो कहता है मुझे एक आइडिया है, तुम एक बड़ी सी स्टिक लेके आओ और दोनों अपने अपनी चोंच से उसको पकड़ रखना. एंड आई होल्ड द स्टिक टाइटली इन द मिडल विथ माई माउथ एंड वी विल फ्लाई अवे टू द लेक. और वो कहता है कि तुम दोनों अपनी बीक जो अपनी चोंच है उससे उसके दोनों एंड्स को पकड़ना और मैं बीच में से अपने माउथ से पकड़ूंगा और हम वहाँ तक उड़कर चले जाएंगे. क्रेंस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया. क्रेंस कहते हैं ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बट यू आर सो टॉकेटिव, कीप योर माउथ शट वाइल फ्लाइंग और यू विल फॉल डाउन. और क्रेंस कहते हैं पर तुम बहुत सारी बातें करते हो, तुम बहुत टॉकेटिव हो, तो अपना मुंह बंद रखना जब हम उड़ेंगे तब. टॉर्टोइस, ओ आई शैल नॉट डू सच अ फुलिश थिंग. टॉर्टोइस कहता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ी भरी चीज़ नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा. The cranes brought a long stick and held it with their beak. और एक long stick लेके आते हैं cranes और उसको अपनी चोंच से पकड़ते हैं. The tortoise held it in the middle. और tortoise जो है उसको बीच में से अपने मुँह से पकड़ता है. They flew over the field and a village. और फिर वो कहाँ जाते हैं? एक बड़े से खेत को पार करते हैं और फिर एक विलेज को पार करते हैं. द विलेजर लाफ्ड एंड वॉचिंग सच ए स्ट्रेंज सीइंग एंड शाउटेड. और जितने भी विलेजर हैं वो इतनी अजीब घटना को देखते हैं और हंसने लग जाते हैं और चिल्लाते हैं. विलेजर्स, लुक एट दैट, दैट फुलिश टॉर्टोइस विल सर्टेनली फॉल डाउन. और विलेजर्स जो हैं वो ऐसे कहते हैं देखो देखो उस बेवकूफ को, फुलिश मतलब बेवकूफ टॉर्टोइस को देखो और वो उड़ रहा है, वो अभी गिर जाएगा. टॉर्टोइस कहता है
यू आर स्टूपिड पीपल, और जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है ये बोलने के लिए यू आर स्टूपिड पीपल, टॉर्टोइज नीचे गिर जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। क्योंकि टॉर्टोइज जो है अपनी आदत पे काबू ही नहीं रख पाया, वो बहुत ही बोल बोल करता था, और जैसे ही लोगों ने कहा कि वो फुलिश है और वो अभी गिर जाएगा, तो उसने लोगों को जवाब देने के लिए तुरंत अपना मुँह खोला और नीचे गिर गया, एंड ही डाइड देयर। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द टॉकेटिव टॉर्टोइज, जो बहुत ही ज़्यादा बोलता था और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो नीचे गिर गया।